वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। तो एक्चुअली व्लॉग नहीं है ये, एक्चुअली इंफॉर्मेशन टाइप में है। तो आपके भी वीडियो पे कभी तो कॉपीराइट क्लेम लगा होगा। तो रिसेंटली मेरे भी एक्चुअली तीन वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम लगा था। तो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा कि आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, जैसे मैंने ट्राई किया था। कॉपीराइट मतलब आप किसी की इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो उनके नोइंगली और अननोइंगली। अगर नोइंगली होगा तो आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर अननोइंगली रहेगा तो आपको उसका लाइसेंस नहीं है। तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम इसलिए भेजते हैं कि आपने उनका डेटा यूज किया है और इनकी इंफॉर्मेशन या उनका कुछ सॉन्ग वीडियो ऐसा कुछ तो यूज किया है। तो उसके वजह से उनका वो हक बनता है कि उनकी इंफॉर्मेशन आपने विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी ये इंफॉर्मेशन आपने उनका डेटा और इनकी वीडियो म्यूजिक कुछ तो यूज़ किया है। तो बेसिकली मेरे यूट्यूब के वीडियो पे ऐसे तीन बार ऐसा हो चुका था। तो कॉपीराइट का मतलब ये रहता है कि आपने नोइंगली और अननोइंगली उनका डेटा यूज़ किया है। तो इफ यू हैव लाइसेंस देन इट्स क्लियर, आप बेसिकली यूज कर सकते हो विदाउट एनी क्लेम। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कॉपीराइट क्लेम होगा, आपका वीडियो भी जा सकता है, आपका चैनल भी बंद हो सकता है और आपकी अर्निंग उस वीडियो के लिए बंद की जाती है। ऐसे तीन वे में रहता है। तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है तो इसके डिटेल्स ये रहे कि जो कंटेंट आईडी रहता है वो आपका निकाला जा सकता है, मतलब आपका पूरा वीडियो डिलीट किया जा सकता है। दूसरा रहता है वो चैनल में रहता है कि आपका पूरा चैनल बंद हो सकता है। तो उसके बाद जो तीसरा रहता है, तीसरे में सिर्फ आपके जो वीडियो जो परफॉर्म करने वाला है उसको डीमोनेटाइज किया जाता है। मतलब डी मतलब मोनेटाइज होता है, उस पर एड चलती है, बट एक्चुअल फायदा उस कॉपीराइट क्लेमर को रहता है जिसने आपका वीडियो पे क्लेम किया है। तो बेसिकली मैं अभी बताऊंगा कि मुझे जो मैंने जो लास्ट वाला वीडियो डाला था उसमें मैं डाल दूंगा कि मेरे पापा ने वो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें जो मैंने सॉन्ग यूज किया था तो उस सॉन्ग की वजह से मुझे कॉपीराइट का क्लेम आया था। तो दैट्स वाई मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कैसे वो रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हो सीधा उस वीडियो पे और अपन देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको जाना है youtube.com पे। तो पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो उसके बाद आप अपने चैनल पे जाइए। तो मेक श्योर पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं कंफर्म कर लीजिए। चैनल करने के बाद आप एक काम कर सकते हो, इधर यूट्यूब स्टूडियो में जाइए। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद ये स्टूडियो ओपन होगा और इसमें आप वीडियोस पे जाइए। तो वीडियोस पे जाने के बाद इधर ये लिखा आ रहा है कॉपीराइट क्लेम। अगर दिख नहीं रहा तो मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, ये ऐसा लिख के आता है इट्स कॉपीराइट क्लेम। तो ये और उसके पिछले वाले जो वीडियो है ये दोनों मेरे कॉपीराइट क्लेम पे गई है। तो इधर आके इधर ही सी डिटेल्स पे लेके सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि चैनल इम्पैक्ट इसमें होगा कि नहीं ये बताया जा रहा है। तो इट्स नॉट इम्पैक्टेड, विजिबिलिटी है पब्लिक, बट इसको मोनेटाइजेशन जो है वो नहीं है। तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि यू वन थ्रू यू आर नॉट इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एड्स मे बी शोन। तो उसके जो पैसे हैं वो सारे उस क्लेमर को जाएगा जो मैंने सॉन्ग यूज किया था वो ये था और उसका जो ऑथर था उसने वो किया था। तो अभी इसमें करना क्या है, एक तो ये था मेरे पूरा, इसको हम ट्रिम आउट सेगमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम ट्रिम करके उस सॉन्ग्स को उस क्लेम के पार्ट को अपन देख सकते हैं। पहले तो अगर आप इधर नीचे आएंगे तो ये वाला सेक्शन है, देखिए ये वाला, ये सब जो पार्ट है वो ऑलरेडी उन्होंने क्लेम कर दिया है। तो मतलब इसमें ट्रिम करने का कोई फायदा नहीं है। तो और एक एक्शन था ये म्यूट और रिप्लेस,
रिप्लेस का भी एक डिसएडवांटेज ये है कि आप रिप्लेस में उनके सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, बट वेलकम बैक टू द शो। तो इसमें आपको रिप्लेस करना है एक सॉन्ग, इसमें से आप कोई भी एक सॉन्ग चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई तो आप इनके दिए हुए लिस्ट में से ये कोई तो एक सॉन्ग आप चूज कर सकते हैं। एल्स जो तीसरा ऑप्शन था वो था म्यूट का, मतलब आप म्यूट कर सकते हैं। नहीं, आपने अगर फेयर यूज़ किया है, आपके पास लाइसेंस है उस कंटेंट यूज़ करने का, कॉपीराइट करने का, तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं। डिस्प्यूट करने के बाद ये लीगल चेक होगा और आपको फर्दर मेल नोटिफिकेशन आएगा, पर तब तक इस डिसएडवांटेज इसका ये रहेगा कि आपका वीडियो तब तक डाउन रहेगा, आपका वीडियो तब तक नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, बट इसकी जो पिछले वाले वीडियो पे लगा था कॉपीराइट क्लेम, तो मैं पहले इधर जाता हूँ। स्टे एट होम और स्टे सेफ वाला व्लॉग, तो इसको मैं कर सकता हूँ। इसमें बहुत छोटे से पार्ट के लिए मुझे लगा था ये वाला, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल सा रिप्लेस सॉन्ग कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये पहले कर दिया था, तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो आपको एक ऐसा मैसेज देखने को मिल सकता है, सॉन्ग इरेज्ड वाज नॉट रिमूव योर क्लेम्स, योर वीडियो रिमेंस प्लेएबल एंड फुल पार्शियल एडिट, सो यूज आइदर म्यूट। तो आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं, तो मैं ये बेटर ऑप्शन यूज करता हूँ और म्यूट, तो उस वीडियो को ही मैं म्यूट कर देता हूँ। म्यूट causing claims, mute all audio, इसको पूरा mute करके, mute selected, इसको पूरा mute करके save कर देता हूँ। तो that's it, तो उसमें एक claim है तो ये already published है, तो इसमें हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ऐसे अब आपने ये मेरे तीन वीडियो मैंने बताए थे, उसमें था एक ये था, एक ये है और एक पिछला वाला था, पिछला वाला शायद से अच्छा उसका मैंने ले कर दिया शायद से अपलोड्स अच्छा ये वाला वीडियो था, तो उस पर मेरा कॉपीराइट क्लेम था तो मैंने म्यूट कर दिया था, तो इसकी वजह से ये हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, तो नॉलेजेबल लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही व्लॉग टाइप में टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो देखते रहिए तब तक सूरज कुमार व्लॉग्स और सूरज कुमार चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।